अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल किचन विद सोनिया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चना पुलाव की रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स में चावल मैंने 1 किलो लिए, इसे आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया है। इसके अलावा चने हम लेंगे 1 पाव, चनों को मैंने अबाइल कर लिया है। मसालों में हम लेंगे 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल कुटी मिर्च, 2 टीस्पून गरम मसाला, 5 से 6 अदद हरी मिर्च लेंगे, 2 अदद टमाटर लेंगे, 3 अदद प्याज लेंगे, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, दही लेंगे 1 कप, 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे, पानी लेंगे हसबे ज़रूरत। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज मैंने 3 अदद लिए थे। अब प्याज को लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज में लाइट सा गोल्डन कलर आ गया। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 टीस्पून लिया था। 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट को इसमें अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने 2 अदद लिए थे। टमाटर को इसके अंदर मिक्स कर देंगे। हरी मिर्च शामिल कर देंगे। हरी मिर्च में 4 से 5 अदद ली थी, इसको भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 2 से 3 अदद तेज बार शामिल करेंगे। 2 टीस्पून गरम मसाला इसमें शामिल कर देंगे। मसाले को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे। गैस मैंने मीडियम रखी हुई है। अब इसमें 2 टीस्पून लाल कुटी मिर्च शामिल करेंगे, 2 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। मसालों को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें चने शामिल कर लेंगे। चने मैंने पहले ही उबाल कर लिए थे। चनों को इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब 1 कप इसमें दही शामिल कर देंगे। दही को भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब 4 से 5 मिनट के लिए चनों को अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून इमली भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चने हमारे अच्छी तरह भून गए। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। मेरे पास 1 किलो चावल थे, जो 2.5 गिलास चावल थे करीबन, तो मैं इसमें 4 गिलास पानी शामिल करूंगी। पानी में थोड़ा कम शामिल करूंगी क्योंकि चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखे हुए थे। जिस पानी में मैंने चने उबाल किए थे वही पानी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें जोश आने देंगे। अच्छी तरह जोश आ चुके हैं। अब इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। चावल मैंने 1 किलो लिए थे और इन्हें आधा घंटा पहले भिगो के रख लिया था। अब चावलों को एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसका पानी खुश्क होने देंगे। पानी इसका अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब 8 से 9 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे। चावल हमारे दम आ चुके हैं। माशाल्लाह सारे चावल हमारे एक दूसरे से सेपरेट हैं, आपस में चिपके नहीं हैं। अब इसको हम डिश में निकाल लेंगे। चना पुलाव हमारा तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह जल्द मिलूंगी आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।